वेलकम यू ऑल इन इंजीनियर साहिल कंगन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अमेजिंग। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है पार्ट वन को, और फाइनली 1K व्यू भी आपने क्रॉस कर दिए, एंड लाइक चलो 100 नहीं हो पाई लेकिन आपने कर दिखाया। पार्ट टू लेके आऊँ, जैसा कि मैंने कहा था कि 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी कराने वाला हूँ। वही सेम पैटर्न है, पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर बताइए मुझे फटाफट से। की था वीडियो को पॉज करके बताइए, मैन मेड डिजास्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत ईजी था, फर्स्ट क्वेश्चन डी, क्योंकि केमिकल भी अपने कारण होता है, लीकेज भी हो जाती है और वोर भी अपन ही करते हैं। तो चारों आंसर, तो यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टू, विच इज द मेन कॉज ऑफ द कॉलेरा, ये डिजीज है, तो ये किस कारण हुई थी, ये अगर आपको आइडिया हो तो। थर्ड वन, इसका आंसर बताइए मुझे। तो मेन रोल सबसे ज्यादा होता है मीडिया का, मीडिया किस तरह से आपको बताएगी वो चीज है। तो मीडिया अगर सब लोगों तक पहुंचती, मोबाइल आज सबके पास, सब आराम से बता सकते हैं प्रिवेंशन डिजास्टर के, तो मीडिया एक बेटर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर फोर बताइए फटाफट से, वी डोंट हैव टाइम, सो जल्दी बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करते हैं। तो देखो इसमें आंसर आपको पता होगा, सी आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर सेस्मोग्राफ यूज करते हैं अपन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ गाइस। द क्वेश्चन इज, विच एरिया इन द वर्ल्ड विटनेस हाइएस्ट सेस्मिक अर्थक्वेक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा किस में आई अर्थक्वेक एक्टिविटी। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये होता है कर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है, वहां पर सबसे ज्यादा हाइएस्ट अर्थक्वेक देखा गया अब तक का। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट का, स्टार भी मार्क कर देता हूँ मैं, तो आप समझ जाओ किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, ये बताइए मुझे मोस्ट प्रोमिनेंट बताना है इंडिया के अंदर। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इंडिया की बात हो रही है, अब बताइए आपको पता है यार सबसे ज्यादा बाढ़ आती है इंडिया में, तो आंसर ए फ्लड हो गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखें, सेवंथ बताइए मुझे, विच आर द मेजर कंट्रोलिंग सिस्टम फॉर रिडक्शन ऑफ वॉल्केनिक डिजास्टर, क्या क्या कर सकते हो आप इस चीज को रोकने के लिए। तो देखो ए और बी दोनों ही किया जा सकता है, इसलिए आंसर हो गया सी, बोथ ए एंड बी। ओके नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ का आंसर बताइए, पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। तो आपको पता है अर्थक्वेक पानी में भी आता है, तो सुनामी भी जनरेट कर सकता है, ग्राउंड पे अपन देखते ही हैं, ठीक है, एक लैंडस्लाइड होती है उस पर भी देखने को मिलता है, तो तीनों पे देखने को मिला, तो आंसर इसका हो गया डी, यानी ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर वाले सभी। नाइन्थ का आंसर बताइए फटाफट से, कि कौन है रेस्पॉन्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन के लिए, सबसे पहले कौन होगा रेस्पॉन्सिव, जो टीम है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का ध्यान रखती है आपका वो टीम, यानी कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी कुछ डिपार्टमेंट होता है, तो सबसे पहले आपकी ये होती है, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है इसमें, सबसे पहले कम्युनिटी का होता है, वो रेस्पॉन्सिबल है कि उसने अपडेट दिया नहीं दिया, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन बताइए, द ह्यूमन फैक्टर्स विच कॉज फ्लड्स आर, कौन सा है। तो ये है भाई डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों की कटाई कर रहे हो यार, एटलीस्ट पेड़ों की कटाई मत करो, जो पेड़ हैं उनको रखो यार, पहाड़ों को मत काटो, बिल्डिंगें मत बनाओ उन एरियों में, उनको वैसे का वैसे रहने, तो इंस्टेड ऑफ दिस अपन को कहीं खाली मैदानों में जाके बिल्डिंगें बनानी चाहिए, पहाड़ों को मत काटो यार, और हो सके तो पेड़ उगाओ गाइस। मेरी तो यही एक डिमांड है आप सभी स्टूडेंट से, कि जितने हो सके मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज अपने आसपास लगा सको तो लगा दो, और साथ ही साथ उसकी केयर भी करो, ताकि उसको बड़ा हो जाए तब तक, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, 4-5 साल का ना हो जाए आपका पेड़, तब तक उसकी केयर करो, अपने आप फिर ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना सा काम जरूर करो अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो। 11th क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये बात हो रही है 14th, ठीक है, 14th सेंचुरी की बात हो रही है, तो वहाँ आई थी उस टाइम प्लेग, अगर आपको पता हो आपकी जो प्लेग की बीमारी है वो इतनी पुरानी है। ओके 12th का आंसर बताइए, 1980 से लेकर 2010, ठीक है, उसके अंदर किसकी बात हो रही है, इंडिया की, अब बताओ। तो देख लो इतना ज़्यादा मतलब बड़ी बात हो गई है, इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है केवल डिजास्टर के कारण, आंसर आपका 3rd 143039, ये तो जिनकी डेड बॉडी मिली है उनका आंकड़ा है, जो गायब हुए मिसिंग है उनका हमें कुछ ही नहीं पता, तो और भी ज़्यादा है, लेकिन अपने पास जो आंकड़ा है गवर्नमेंट के पास वो अपन उसकी बात करेंगे अपन। ओके इसका आंसर बताइए,
तो अपना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था 2005 में। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना ये वाला। 14 बताइए, कितना परसेंट इंडिया का जो लैंड है वो अर्थक्वेक की चपेट में आ चुका है? तो नॉर्मली अर्थक्वेक आपका देखो 59% लैंड है जो इंडिया की वहां पे आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वन बताइए। मैं बताता हूँ इसका आंसर है 2007। याद रखना बांग्लादेश वाली बात है, 2007 साइक्लोन आया था बहुत तगड़ा। तो आप 16 का आंसर बताइए आप। टाइडल वेव्स तो आप जानते होंगे यार, ज्वार भाटा आपने सुना होगा बचपन में, बस वही है, उसको देख के बताइए। एक तो मून के कारण होता है, एक अर्थ के कारण होता है, तो ये ज्वार भाटा। आंसर बताइए, द इक्वेटर इज ए रीजन ऑफ, हाई है, लो है, हाई है, बताइए। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर है जो आईज ऑफ साइक्लोन होती है, यानी कि जो सेंटर एक तरह से आप बोल सकते हो, वो एकदम शांत और क्लाउडलेस होता है, यही चीज बोल रही है लाइन। ओके, बीच में हमेशा याद रखना, इधर मतलब बहुत तगड़ा तूफान आ रहा है, तो ये सेंटर जो होता है ये एकदम शांत होता है, इसके अंदर आप डुबकी लगाओ सीधा नीचे निकलोगे। ओके ओके, तो ये बताइए आप मुझे। हाँ ये बताओ यार, मजा आएगा आपको, किसने की थी भाई प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का आपका पेपर है। आंसर इसका बी, जॉन गटनबर्ग, व्हाटएवर हिज नेम इज। तो बी आंसर आपका करेक्ट है, याद रखना, जोन बिया ने करी। 20 बताइए, कितने पिलर हैं अशोका में? कभी काउंट किए हो? नहीं किए हो तो हम बता देते हैं गाइस, 33, 33 पिलर्स। ओके, 21 पॉज डिवाइड एंड डू इट योर सेल्फ, वो किसका एम्पायर था? वो कौन सी किंग की बात हो रही है? साइरस, साइरस वो था भैया पर्शियन एम्पायर। ओके, तो इसका आंसर ए हो गया। 12 बताइए मुझे, व्हेन डिड द पेडिशन ऑफ राइट्स क्रिएटेड? पेडिशन जानते हो, बहुत पुरानी चीज है, एक अपन हस्ताक्षर करते हैं किसी भी चीज के लिए। नॉर्मली आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा पेटिशन के फॉर्म भरते हैं अपन किसी चीज के लिए, तो वो 1628 की बात है भैया, इतनी पुरानी चीज है ये। बढ़िया क्वेश्चन है ये बताइए फिर मुझे। ये तो आप बता दो यार, भोपाल गैस वाला। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जो बंदा वीडियो तक यहाँ तक आया उसको एक बेनिफिट दे रहा हूँ। देखो जितनी भी ट्रेजिडी हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है, उसको याद रखना आप, भोपाल गैस हो, उत्तराखंड हो, उसको। और अभी रिसेंटली अपने कोरोना आया, तो पेंडेमिक पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनफेक्ट कोरोना के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कब आया था, ठीक है, इसका नाम कोरोना क्यों है, कोविड-19 क्यों बोलते हैं इसको। ओके, क्योंकि 2019 में आया था ये एक्चुअली। ओके, तो कुछ चीजें इनकी याद रखना, पेंडेमिक से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड। अब इसका आंसर तो आपको पता ही यार, इसका आंसर है ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, मिथाइल आइसोसाइनेट थी वो टॉक्सिक गैस। 24 वॉल्केनोज विच आर करंटली इन एक्टिव बट देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट कैन बी इरप्ट अगेन इन द फ्यूचर आर कोल्ड। मतलब जो अभी शांत बैठे हुए लेकिन फ्यूचर के अंदर वो ब्लास्ट करेंगे अपनी लावा को, बाहर निकालेंगे मैग्मा को, तो आंसर है ए, डोरमेंट वेल्केनोज, जो अभी शांत बैठे इन द फ्यूचर लेकिन ब्लास्ट हो सकते हैं। ओके, 25th आंसर बताइए मुझे, कब आई थी? आई थिंक इसका आंसर 2004 या 5 है, मेरे को ध्यान से याद नहीं है। नहीं, 2003 था, ठीक है, 2003 है। और आप एक बार चेक कर लेना इस क्वेश्चन में, मुझे डाउट है, एक बार इसको कंफर्म कर लेना आप नेट के थ्रू। तो इंडिया में पहली बार जो भी आई थी ओशन के अंदर सुनामी, ठीक है। ओके, इसका फुल फॉर्म बताइए मुझे, ITCZ स्टैंड्स फॉर इंटर ट्रॉप, सॉरी ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या इंट्रा, ठीक है, बताइए, इंटर ही इंट्रा, तो ये है आपका ए, इंटर, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, 27 ये है क्वेश्चन भाई साहब, आप डिजास्टर डिजास्टर पढ़ते रहे तो आपको पता ही नहीं है डिजास्टर वर्ड आया कहाँ से, मुझे बताओ यार, जिसने बताया ना। अब ये बताइए मुझे, उत्तराखंड में फ्लड किस कारण आई थी? जो बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट? क्या वहां पर अर्थक्वेक आया था, या लैंड स्लाइड यानी कि पहाड़ गिर गए, सड़क गए अपनी जगह से, पहाड़ चलते हैं आपको पता है, पता होगा यार आई थिंक, और क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फट गया आपका, तो आपको पता है यार, आपकी आंखों के सामने हुए थे, आप टीवी पे बैठ के देख रहे थे ये चीजें, तो एक क्लाउड बस्ट के कारण हुआ था उत्तराखंड में।
ये बताइए कब हुआ था नेशनल फ्लड कमीशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन 19, मैं अब लिख ही देता हूँ, 1980 की बात है भाई। ओके एक फाइनल क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये बॉल है ना आपकी बाउंसर नहीं आएगी, ये बॉल ऐसी है जिस पे आप छक्का भी मार दोगे और हो सकता है आप आउट भी हो जाओ, तो आप तैयार है ना 30 नंबर के क्वेश्चन के लिए, बताइए इसका आंसर, और इसको भाई स्टार मार्क भी कर लो, इसकी पॉसिबिलिटी है। अर्थक्वेक तो यार जरूर पढ़ के जाना, अर्थक्वेक से रिलेटेड चीज़ें पूछ लेंगे आपसे, और पैंडेमिक। तो इसका आंसर मैं बता दूं, तो इसका आंसर है 029, याद रखना हमेशा 029 होता ही है। सो आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना वहाँ से, और प्रैक्टिस कर लेना जितनी करनी है आपको। एंड एक और चीज़ बता रहा था मैं, क्या बता रहा था, हाँ अगर इसका पार्ट सी यानी पार्ट थर्ड भी जी अगर डिजास्टर का, जिसमें भी मैं 30 क्वेश्चन ला सकता हूँ, मेरे पास बहुत कंटेंट है, आपको चाहिए इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, तो इसका आपको 1K, वही सेम रखता हूँ मैं, 1K व्यू करवाने और 100+ लाइक, यार इस बार तो लाइक बनती है यार, आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ, 1 लाइक तो बनती है ना, चलो आप कर देना आपकी जो भी इच्छा हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।